हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह बढ़िया ही रहना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ट्रैक्टर सेलिंग सितंबर 2022 में, मतलब सितंबर 2022 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 ट्रैक्टर कंपनियों का नाम और कितना सेलिंग किया है उस कंपनी ने और कौन सा नंबर हासिल किया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वें नंबर पर आने वाले ट्रैक्टर कंपनी का, तो वो है VST, जिन्होंने 568 यूनिट्स बेची है और 10वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष की बात करें तो 663 यूनिट्स बेची थी VST कंपनी सितंबर 2021 में, मतलब इस वर्ष के मुकाबले पिछले वर्ष ज्यादा बेची थी। इस कंपनी का 14.33% का गिरावट है इस वर्ष, क्योंकि ये उतना नहीं बिक पाई जितना पिछले वर्ष बेची थी। हालांकि हर कंपनी का अपना अपना ग्रोथ लेवल होता है, कभी डाउन कभी अप होता रहता है, लेकिन इस कंपनी का 14.33% का डाउनफॉल आया है। 9वां स्थान पर आया है इंडोफार्म, जिन्होंने 681 यूनिट्स बेची है और अपना स्थान 9वां स्थान में बरकरार रखा है। पिछले वर्ष की बात करें तो 679 यूनिट बेची थी सितंबर 2021 में इंडोफार्म। इसका 0.29% का ग्रोथ है। सिर्फ कुछ ही यूनिट ज्यादा बिक पाई है, 2 यूनिट इस वर्ष ज्यादा बिक पाई है, तो 0.29% का ग्रोथ हुआ है। 8वां नंबर का बात करें तो प्रीत आई है 8वें नंबर पे, जिन्होंने 694 यूनिट बेची थी और पिछले वर्ष की बात करें मतलब सितंबर 2021 की, तो 672 यूनिट बेची थी, मतलब इस वर्ष इसकी 3.27 मतलब 3.27% इसकी ग्रोथ हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले। 7वां नंबर पर आने वाला ट्रैक्टर है कुबोटा। कुबोटा ने बेचा है 2418 यूनिट्स और 7वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष की बात करें तो 1890 यूनिट्स बेची थी और इस वर्ष 2418, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल गया है इस कुबोटा को। इस बिक्री के साथ इन्होंने 27.94% का ग्रोथ किया है पिछले वर्ष के मुकाबले। 6वां स्थान पर आने वाला ट्रैक्टर है न्यू होलैंड, जो कि 4602 यूनिट्स बेचा है और पिछले वर्ष का मुकाबला करें तो 3650 यूनिट्स पिछले वर्ष बेचा था और इस साल बेचा है 4602, मतलब 26.8% का ग्रोथ किया है पिछले वर्ष के मुकाबले न्यू होलैंड, मतलब काफी अच्छा ग्रोथ किया है। 5वां स्थान पे आने वाला ट्रैक्टर है जॉन डियर, जिन्होंने 8898 यूनिट्स बेचा है सितंबर 2022 में और सितंबर 2021 की बात करें तो 7993 यूनिट्स बेचा, मतलब पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ट्रैक्टर अच्छी भी की है, तो इस कंपनी की ग्रोथ भी 11.32% बढ़ गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। 4वां नंबर पे आने वाला है स्कॉट्स, जिन्होंने 11384 यूनिट्स बेची है टोटल और पिछले वर्ष मतलब सितंबर 2021 की बात करें तो 7975 यूनिट्स बेचा है और इसी के साथ इन्होंने 42.75% का ग्रोथ किया है पिछले वर्ष के मुकाबले, जो कि इस महीने का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसी कंपनी का है स्कॉट्स का। 3रे नंबर पे आने वाला है सोनालिका, जिन्होंने 15030 यूनिट्स बेची है सितंबर 2022 में और सितंबर 2021 की बात करें तो 11226 यूनिट्स बेची, मतलब इस कंपनी की भी अच्छी ग्रोथ रेट है, मतलब 33.89% का ग्रोथ मिला है इस कंपनी को सितंबर 2022 में। सेकंड नंबर पर आता है टेफे ग्रुप, जिन्होंने 20884 यूनिट्स बेची है सितंबर 2022 में और सितंबर 2021 की बात करें तो 17590 यूनिट्स बेची थी, तो इन्होंने भी अच्छी ग्रोथ रेट हासिल की है। 18.73% का ग्रोथ हासिल किया है सितंबर 2022 में सितंबर 2021 के मुकाबले। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर कंपनी या फिर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर सेलिंग कंपनी, दोनों में एक ही चीज है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप, जिन्होंने 47100 यूनिट्स बेची है सितंबर 2022 में, सितंबर 2021 की बात करें तो 39053 यूनिट्स बेची थी। इस बिक्री के साथ इन्होंने 20.61% का ग्रोथ रेट हासिल किया है, मतलब 20.61% ज्यादा ट्रैक्टर बिकी है सितंबर 2021 के मुकाबले सितंबर 2022 में। यही कुछ टॉप 10 ट्रैक्टर सेलिंग कंपनी का नाम था गाइस। अगर इस टॉप 10 ट्रैक्टर सेलिंग कंपनी में से आप कौन सा ट्रैक्टर ऑन करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कैसी नई और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया।